ये चीज ये संदेश। लेकिन इस मूर्ति को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग उत्साहित हैं, आनंद पूर्वक भव्य दिव्य नव मंदिर जिसकी परिकल्पना हमारे 140 करोड़ देशवासी ने किया। मैंने 140 करोड़ देशवासी क्यों कहा, क्योंकि सभी के पूर्वज पहले सनातनी थे, कभी न कभी सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदू आस्था की केंद्र भगवान राम, जिनकी व्यापकता कण कण में और हर व्यक्ति के मन में प्रभु राम, तो आज प्रभु राम कुटिया में पधार रहे हैं। तो हम लोग प्रसन्नचित हैं, उत्साहित हैं कि मंदिर का निर्माण, आपने मूर्ति देखा होगा, मूर्ति की बात नहीं है, जगह की बात है। मंदिर भी कहीं और बना लेते, मस्जिद भी कहीं और बना लेते, लेकिन जन्मभूमि किसी की बदला नहीं जा सकता। लेकिन महाराज जी, आज पूरा देश इस मूर्ति का इंतजार कर रहा था, जो जी न्यूज पहली बार दिखा रहा है मूर्ति लोगों को, आप भी आनंदित होंगे इस मूर्ति को देखकर। नहीं, हम ही नहीं, मैंने क्या कहा, 140 करोड़ देशवासी, साधु संत तो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, अपने मंदिरों को छोड़कर भजन पूजा पाठ, भजन संध्या, ठाकुर जी की सेवा। क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था, तीसरे दिन, चौथा दिन आज है, आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, कार्यक्रम देखिए, जिस प्रकार से शुरुआत में नवग्रह की पूजा से लेकर शुरुआत हुई, देवताओं के भ्रमण से लेकर वहाँ पर प्रायश्चित पूजा से लेकर वहाँ पर गौरी गणेश से लेकर नवग्रह के देवता की प्रतिष्ठा से लेकर तैयारी, आज जिस प्रकार से अभिषेक कल करने के बाद आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, आज अरणि मंथन करके अग्निवास कुंड में आग को प्रज्वलित की जाएगी, इसके बाद आगे की रूपरेखा और तैयार होगा, क्योंकि अब वक्त कम है और काम ज़्यादा है। अब जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा नव भव्य दिव्य शंख ध्वनि के साथ में पधार रहे हैं प्रभु, हम लोग उत्साहित हैं, आनंद पूर्वक भाव विभोर हैं, इतने वर्षों के बाद हमारे सामने में मंदिर का निर्माण और ठाकुर जी भव्य मंदिर में पधराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहन जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, और ये सब लोग आनंदित हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे बाबू? हम भजन सुना देंगे बढ़िया। क्या भजन सुनाएंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशहरा जय अजुरा बिहारी, राम सिया राम।